बट अभी काफी सुंदर नजारे हो रहे हैं भाई। पूरा कचरा इधर रखा रहता है। अच्छा, हाँ फाइन है भाई इधर तो। भाई फाइनली निकल गया हूँ, ऑलमोस्ट बाहर आ गया हूँ मैं। एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे हर जगह गंदगी है भाई। देखो इधर, मतलब तो भाई आज पूरा 20 किलोमीटर का ट्रेक हो गया। वेलकम बैक टू द चैनल, और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं मलाना के लिए निकला था और वीडियो एंड नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी, और बारिश होने के बाद लगभग 8 बज गया था यहाँ पे आने में। तो कुछ ऐसा है, अभी मैं बिल्कुल थोड़ा आउटसाइड हूँ विलेज के, कुछ ऐसा नज़ारा, और यहाँ पर मैंने कैंप लगाया था रात को, लगभग 8-9 के आसपास बज गया था, और काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं भाई। बट गंदगी काफ़ी मचा रखी है भाई, यहाँ पर काफ़ी सारी गंदगी मचा रखी है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो देखो ऊपर की तरफ है विलेज, और मैं थोड़ा नीचे डाउन साइड में हूँ, आउट साइड में, और यहाँ पे फाइनली मेरे को कैंप की जगह मिली थी तो यहाँ पे मैंने कैंप कर लिया। कुछ घर बने इधर भी, बट ये आउट साइड है थोड़ा सा बाहर आके, अदरवाइज़ विलेज के अंदर तो पॉसिबल नहीं होता। तो वही मॉर्निंग का अभी 5:30 बजा हुआ है, मॉर्निंग हो गई है। अभी यहाँ से थोड़ा सा विलेज एक्सप्लोर करूँगा और फिर वापस ट्रैक करके जाऊंगा मेन रोड की तरफ, और फिर वहां से देखते हैं जो भी होगा मैं बताऊंगा आपको। तो अभी सारी प्रक्रिया करते हैं सुबह की, सब कुछ पैक वेक करता हूं यहां पे, और फिर मैं मिलता हूं आपको। तो भाई बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक है वहां पे, यहां से लगभग 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है मलाना से, और काफ़ी सुंदर यार, पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं पीछे की तरफ। यहाँ से कर सकते हैं बट मैं करूँगा नहीं, यहाँ से सीधे नीचे की तरफ जाऊँगा, और नीचे की तरफ जाके देखता हूँ मैं किधर निकलता हूँ, या तो कसोल की तरफ या फिर मनाली की तरफ। बट अभी काफ़ी सुंदर नज़ारे हो रहे हैं भाई, चलते हैं आगे धीरे धीरे ट्रैक करते हुए। खतरनाक वाला कचरा पड़ा भाई, देखो ये देखो, पूरा है ना विलेज को गंदा कर रखा है। मतलब ये थोड़ा सा आउटसाइड है बट टू डर्टी यार, इधर खतरनाक वाला कचरा भाई, देखो पूरा कचरा इधर रखा रहेगा। ये देखो भाई, ये भाई मलाना विलेज के अंदर कर रखा, और मतलब थोड़ा सा विलेज के बाहर है बट विलेज के अंदर भी यही समस्या है भाई, विलेज के अंदर भी सेम है ऐसा ही है। मैं बताऊंगा आपको कि देखो कितना कचरा भाई, कितना। कुछ ऐसे नजारे हैं भाई विलेज के, चलते हैं ऊपर। ये देखो भाई, ये भाई विंटर का इंतजाम कर रखा है इनने पूरा। बड़ी कूल सी वाइफ से यार इनने मॉर्निंग में, बढ़िया नज़ारे। और देखो यहाँ से फिर बर्फ के पार दिख रहे हैं, वो देखो भाई। मलाना की बात करें तो बेसिकली जाना जाता है मलाना क्रीम के लिए, काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे आपको इजरायली वगैरह भी मिल जाएंगे, और अदर कंट्री से भी इंडियंस भी मिल जाएंगे। अभी भाई मॉर्निंग का 7 बजा है, इसलिए पब्लिक वगैरह ज़्यादा दिख नहीं रही है। मतलब सुबह मतलब सब ठीक है, मतलब सब अच्छे हैं।
पीछे की तरफ मलाना का स्कूल है भाई, और अभी मेन मलाना के सेंटर में खड़ा हूँ मैं। यहाँ से आप पूरा मलाना विलेज देख सकते हैं भाई। ये देखो ठंड काफ़ी हो रही है यार, बोलते भी नहीं बन रहा। अच्छी खासी रात में भी ठंड थी और अभी भी अच्छी खासी है। ये सेंटर पॉइंट है भाई। तो भाई अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं मलाना विलेज में हूँ और भाई यहाँ पे मंदिर है, बहुत ही धार्मिक प्लेस है भाई अपने भारत का। तो अभी यहाँ पे भैया बताएंगे यहाँ पे क्या है, ये मतलब भैया क्या है इसका हिस्ट्री ऐसा। इधर दिखा रहा हूँ, ये ऐसा है ना, ये जो मंदिर है यहाँ से जैसे कोई भी आता है मतलब बाहर से, हाँ अच्छा महात्मा, तो उनको यहाँ से खाना खुना दिया जाता है तो दो तीन दिन का मतलब। अच्छा पूरा यहीं से मिलेगा, तेल दाल चावल चपाती सब कुछ बनाना खुद पड़ेगा और इधर से मिलेगा फ्री में, कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा वहाँ राशन दे देंगे बनाना आपको? हाँ जमदम ऋषि के नाम, जमदम जमदम ऋषि, जमदम ऋषि। अच्छा हाँ परशुराम के पिताजी। अच्छा 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 इतना पुराना है। रेणुका माता के मंदिर परशुराम, तो आपको भी पता ही होगा। बस यहाँ से दान दिया जाता है मतलब। अच्छा कोई भी मतलब मान लो आप ही आ गए मतलब, कि आप बोल दिया भाई मेरे पास खाने को नहीं है, तो आप यहाँ आप जैसे लोगों को यहाँ आ जाने को इस बिल्डिंग में। अच्छा अच्छा आश्रम टाइप लाइन आश्रम ये। अच्छा हाँ तो मतलब यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरे महात्मा आते तो इन मंदिरों में रह सकते हैं। अच्छा साधु के देश में। अच्छा हम भी ऐसे तीर्थ आते हैं तो यहाँ रह सकते हैं आप? उस लोग रह सकते हैं हाँ, उधर नीचे वाले में फ्लोर में। अच्छा अच्छा निचला फ्लोर में है। अच्छा बनाना तो पड़ेगा ना अपना बिस्तर। अच्छा हाँ है वो तो है, मतलब कमरा वमरा मिल जाएगा? कमरा नहीं मिलेगा हाँ, मतलब नीचे का। तो भाई बताया जैसे भाई ने अभी तो इतना ही कह सकता हूँ। हाँ 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 आपको नहीं ले रहे, पीछे का ले रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं है। तो भाई ये मतलब हाँ, तो भैया ने बताया यार ये बहुत काफ़ी नीचे एक और मंदिर है जमदम ऋषि का मैन। अच्छा अच्छा ये तो हमारा मतलब समझ लो एक जैसे कि दान दान पत्र ही है। अच्छा अच्छा समझ लो दान पत्र ही हुआ, मतलब यहाँ से दान दिया जाता है, दिया नहीं जाता है दिया जाता है। हाँ तो भाई देखो भैया ने बताया यहाँ पे जमदम ऋषि के नाम से यहाँ पे जैसे साधु संत या कोई आते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ अगर जैसे आश्रमों में होता है कि आपको खाना पीना रहना हो जाता है, तो पीछे कुछ रहने की सुविधा भी है, वहाँ पे भी रह सकते हो आप एज ए टूरिस्ट भी। अगर आप आए हो तो आप यहाँ रह सकते हो, मतलब बिछाने बिछाने का आपको थोड़ा चाहिए और यहाँ पर आपको प्लेस मिल जाएगा बस, बाकी कुछ ना। तो कुछ ऐसा नज़ारा भाई देखो, ये गाँव का मेन चौक है, ये ग्राम पंचायत मलाना, और ऐसे नज़ारे हैं भाई। जोध में नेक्स्ट टाइम घूमूंगा आप तो आप लोगों को। हाँ इंद्रासन ठीक है भाई, भाई साहब बोल रहे कि अगली बार आओगे तो घुमाएंगे बढ़िया वाले पहाड़। कब भाई जी मेरे सबसे टॉप में वो चीज़ में वहाँ ले जाऊँगा। अच्छा और इंद्रासन मेरे जंगल में आपको पांडवों का इंद्रासन डाक मार के दोस्तों का। यहाँ पे भी पांडव थे? अच्छा आप लोगों को ले जाऊँगा। हाँ फाइन है भाई इधर। तो भाई फाइनली निकल गया हूँ, ऑलमोस्ट बाहर आ गया हूँ मैं अपना मलाना से, और बाहर चलते हैं। पहले तो मेन रोड की तरफ ट्रैक करना पड़ेगा, मेन रोड से ट्रैक करने के बाद फिर वही रास्ते से निकलेंगे जरी होते हुए कसोल की तरफ। तो भाई जितना मलाना कवर कर सकता था मैं कवर कर लिया मैंने, कुछ ऐसा नज़ारा है। बट भाई एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे हर जगह गंदगी है भाई देखो इधर, मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी मतलब कुछ तो भी बना हुआ है और गंदगी है यार, काफ़ी गंदगी है। सो भाई मेन रोड से मेरे को लगता है कि
लगभग लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक होगा ये, 3-4 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर के। बट यार नाइस है, व्यू बढ़िया है। देखो नीचे ऊपर मलाना है, उधर भी मलाना है, बट वहाँ से ट्रैक करके ऐसा आना पड़ता है ऊपर की तरफ। व्यू बड़ा शानदार है। अभी सुबह का 10 बजा है, मौसम भी अच्छा है आज का काफ़ी। कल तो पूरा बारिश बारिश में हालत ख़राब हो गई, बड़ा आज का अच्छा है। आज का प्लान है सबसे पहले मणिकर्ण जाएंगे, मणिकर्ण जाके वहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद देखते हैं कसोल, देन गो टू मनाली। बट वेदर अच्छा होना चाहिए, आज का वेदर अभी काफ़ी अच्छा है, ऐसा ही दिन भर होना चाहिए। अभी यहाँ से मेन रोड तक तो पहुँच जाएंगे 1 घंटे में। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. तो भाई फाइनली 11:30 बजे पूरा ट्रैक करके आ चुका हूँ मैं वापस अपने वेलकम टू मौलाना वाले गेट पे। ये देखो ऊपर वो थैंक्स टू विजिट अगेन हो गया। तो भाई पूरा ट्रैक करके वहाँ से ऐसे करके पूरा लगभग 1 घंटा लगा होगा। 11:30 बज रहा है अभी, अभी यहाँ से चलेंगे आगे को सफ़र बढ़ाएंगे थोड़ा रेस्ट करके। काफ़ी बढ़िया ट्रैक था, छोटा था, अच्छा था। यहाँ से इस रोड से मलाना विलेज जाने के लिए देखो केबल कार भी चलता है, इसी देखो उस साइड से वो जा रहा भाई, ये जाएगा ऊपर विलेज पे। तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से सामान वगैरह ले जाना होता है, इसके लिए भाई लगा हुआ है यहाँ से गांव वालों के लिए। ऊपर की तरह का आसानी हो जाती है, बट रिसेंटली अभी यहाँ 3-4 दिन पहले है ना एक घटना हो गई थी, ऊपर से आदमी को जंप करना पड़ा, एकदम टूट गया था वो भाई, नीचे खेतों में कूदा वो, उसका क्या जिगर होगा यार। बट अच्छा हुआ बच गया वो, काफ़ी ऊपर यार, देखो एक ऊपर भी लगा हुआ वहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया ये गाँव, यहाँ से आपको ट्रैक करके वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कोई साधन नहीं है और कोई गाड़ी वाड़ी है नहीं भाई, पूरा ट्रैक है वहाँ पे, तो कोई व्हीकल नहीं है। तो ऐसा कुछ है, आगे बढ़ाता हूँ अपना ट्रैक 1-2-1-2 करते हुए, कुछ ऐसे नज़ारे हैं। तो भाई फाइनली मौलाना से नीचे आए थे लगभग 1 किलोमीटर और भाई ये मिल गया पिकअप, पिकअप मिला भाई, पिकअप में नीचे भैया भुंतर की तरफ जा रहे हैं, हम जरी तक चले जाएंगे, फिर जरी से अगली लिफ्ट लेंगे देखेंगे। बट भाई खूबसूरत नज़ारे, आइडिया ना तो भाई फाइनली अभी 5 बजे के आसपास कसोल में पहुंचा हूं। यहां से अभी मणिकर्ण साहब का गुरुद्वारा है जो वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा देखो, ख़तरनाक वाला ट्रैफिक हो रहा भाई, और बहुत ख़तरनाक टूरिस्ट है भाई इधर, मतलब पूरा टूरिस्ट से भरा हुआ भाई, अभी पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ। और अभी गुरुद्वारा साहब जाएंगे, सोच रहा हूँ आज वहीं स्टे करता हूँ, उसके बाद सुबह आऊँगा इस तरफ कसोल की तरफ, और कल कसोल घूमेंगे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। बट यार नाइस प्लेस है, बट भीड़ भाड़ ज़्यादा है भाई। पूरा 20 किलोमीटर का ट्रैक हो गया, मलाना का ट्रैकिंग जो मेन रोड तक थी वो 5 किलोमीटर की थी, उसके बाद जरी तक लिफ्ट मिली थी, जरी से अभी हो गया 15 किलोमीटर, टोटल 20 किलोमीटर हो गया भाई। और लगभग 1 किलोमीटर बचा है वो गुरुद्वारा से, और कसोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, कुछ ऐसा नज़ारा है अभी। और गुरुद्वारा आने वाला है लगभग 1 किलोमीटर बचा है,
थोड़ा आराम करेंगे। वाट लग गई पूरी आज कई दिनों के बाद। तो भाई फाइनली 6:30 बजे ट्रैक कंप्लीट हुआ पूरा 20 किलोमीटर का लगभग, और अभी आ चुका हूँ मैं मणिकर्ण साहिब। उसके बाद फिर अभी जाते हैं दर्शन वर्शन करते हैं, और जो भी होता है फिर बाद में बताता हूँ मैं आपको। काफ़ी थक गए हैं यार आज।